सन 1781 3 अप्रैल के दिन प्रकट हुए भगवान श्री स्वामी नारायण ने छपिया और अयोध्या में अनेक दिव्य लीलाओं से सभर अपना बचपन बिताया बाल घनश्याम के रूप में। और सन 1792 29 जून की रात को उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य का प्रारंभ किया नीलकंठ वर्णी के रूप में। इस संसार के सारे बंधनों को त्याग कर अनंत जीवों के कल्याण के द्वार खोलने के लिए नीलकंठ वर्णी चल पड़े एक अद्वितीय कल्याण यात्रा पर। बाढ़ से उफनती हुई सरयू नदी की ओर नीलकंठ वर्णी की इस असाधारण यात्रा का प्रारंभ साधारण कैसे हो सकता था। प्रकृति की गोद में पैदल चल पड़े केवल 11 वर्षीय नीलकंठ वर्णी अकेले थे, फिर भी रोमांचित थे क्योंकि संसार के सारे बंधन दूर अयोध्या में ही छूट चुके थे। जैसे जल की बूंदें जल में ही मिलकर रह जाती हैं, वैसे ही वे मुमुक्षुओं के बीच रहना चाहते थे और अब तो उनके चरण भी मुक्त थे हर उस जगह तक जाने के लिए जहां वे जाना चाहते थे। अमरपुर गांव की धरती पर सूर्योदय तो हर रोज की तरह हुआ था, पर आज वहां के लोगों को कुछ अधिक प्रकाश मिला। एक बाल योगी की कांति का प्रकाश। प्रसाद के लिए धन्यवाद। अब मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। बालयोगी, अगर आप लंबी यात्रा करके आए हैं तो आज के दिन यहीं रुककर विश्राम करके जाइए। अभी तो मेरी यात्रा आरंभ हुई है और मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी है।
जैसा आप उचित समझे। ये लीजिए, शाम के लिए कुछ फल साथ ले जाइए। सुबह शाम की चिंता करनी होती तो संसार का त्याग ही क्यों करता? जो जीवन के अगले पल देंगे वे ही पल पल के लिए सब कुछ देंगे। यहाँ के लोधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने करवाया था, ऐसा माना जाता है। महादेव जी का यहाँ सदैव निवास है। निडर, निशंक और निश्चल गति से अविरत यात्रा कर रहे नीलकंठ वर्णी की जीवन शैली एक योगी की परिभाषा को जैसे उन्नत कर रही थी। जो कुछ भी भोजन मिले उससे निर्वाह कर लेना उनकी आदत बन चुकी थी। एक ब्रह्मचारी की तरह आसन मुद्रा में ही निद्राधीन होना उनका नियम बन चुका था और मुमुक्षुओं की खोज में चलते रहना उनका नित्य क्रम। नैमिषारण्य की धरती पर जब नीलकंठ वर्णी का आगमन हुआ तब उनकी भेंट वहां वर्षों से योग साधना कर रहे मुनिगण से हुई। आपकी उपस्थिति से ही प्रतीत हो गया कि हमारी वर्षों की योग साधना सार्थक हो गई, अर्थपूर्ण हो गई। योग साधना की अर्थपूर्णता तब होती है जब योगी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर प्रत्यक्ष परब्रह्म में जुड़ जाए, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति के लिए कठिन से कठिन योग साधना करने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए सर्वप्रथम अपनी आत्मा, ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूपों की भिन्नता को यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। हमने इतनी साधना की किंतु आज तक ऐसा कुछ तो सुना ही नहीं। बालयोगी, आपके विचारों में कुछ नवीनता है। हमारी अभिलाषा है कि आप सदैव हमारे साथ यहीं रहें। वैसे भी इस नैमिषारण्य से अच्छा स्थान इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। ऋषिवर, जहां भी भगवान या उनके सच्चे ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष की निश्रा है, वैसा हर एक स्थान नैमिषारण्य तीर्थ के समान ही है। नैमिषारण्य से चल पड़े नीलकंठ वर्णी सहजापुर आ पहुंचे। अरे देखो वो कौन कूद रहा है। अरे 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 रुको, नदी में मत कूदना, भयानक तूफानी बाढ़ चली है। अरे
बहा गया। लगता है पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया, डुबो दिया। इतनी भयानक बाढ़, उसका जीवित रहना असंभव। मर गया बेचारा। कहाँ गया वो बच्चा? कहीं नजर नहीं आ रहा। राम राम। मर गया बेचारा। नजर नहीं आ रहा। पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया। इतनी भयानक बाढ़ में उसका जीवित रहना असंभव है। बेचारा। अरे ये नहीं, कौन होगा? ये कैसे बच गया? अरे आप इतनी सहजता से इतनी तूफानी बाढ़ में कैसे कूद गए? आपको डर नहीं लगा? भीतर की शांति ऊपर के तूफानों को भी शांत कर देती है। ऊपर के तूफानों से डरोगे तो भीतर की शांति कैसे पाओगे? नीलकंठ वर्णी के निरंतर अथक रूप से चलते चरण उन्हें जहां भी ले जाते थे, वहां कोई न कोई किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ जाता था। बरेली गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे पिछले साल तो इतनी बाढ़ आई थी कि गांव के सारे घरों में पानी घुस गया था। यहां तक कि हमारे खेतों में भी फसल बर्बाद होते होते रह गई थी। हम भी अपनी भेड़ बकरियों को बड़ी मुसीबत से बचा पाए थे। वैसे भी कुदरत के सामने हम क्या कर सकते हैं? जो भगवान चाहेंगे वही होगा, सब उसके हाथ में है। हाँ सो तो है। हरी करे सो होए जगत में, हरी करे सो होए, चाहे करे नर कोटि उपाय, करता दू जो कोई जगत में हरी। अरे रुक क्यों गई? गाना हाँ? कितना प्यारा बच्चा है। केवल बच्चा है या कुछ? इतना छोटा बालक और योगी। बेटा तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? यूं तो सारे नाम मेरे ही हैं, पर आप चाहें तो मुझे नीलकंठ बुला सकते हैं। नीलकंठ? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारा घर कहाँ है? उस घर का तो मैं त्याग कर चुका हूँ, फिर भी मैं जहां भी हूं घर में ही हूं, क्योंकि मेरा घर तो सारा विश्व है। पर इतनी छोटी उम्र में तुमने अपनों को क्यों छोड़ा? सबको अपनाने के लिए, जो भटक गए हैं उन्हें घर वापस लाने के लिए। तुम हो तो इतने छोटे से पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। यहाँ आसपास में कोई जगह है जहाँ नारद जी ने तपश्चर्या की थी? हाँ, उस जगह का नाम ही नारद वन है।
यहीं से उस तरफ का रास्ता पड़ता है। अरे वो बच्चा अकेला जा रहा। किंतु तुम्हारा अकेले वहां जाना ठीक नहीं होगा, बड़ी भयानक जगह है। नीलकंठ वर्णी ऐसे भयानक वनों में भी सहज रूप से चले जाते थे, जहां दिन में भी सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती थीं। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ऐसे अनेक बीहड़ वनों को पार करते हुए, कईयों को अपने स्वरूप की स्मृतियां देते हुए, कुछ दिनों की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी नारद वन आ पहुंचे। आपके दर्शन मात्र से प्रतीत होता है कि कई वर्षों से जिनका स्मरण हम अपने हृदय में करते आए हैं, वो भगवान स्वयं आज हमारे समक्ष प्रकट खड़े हैं। आप सबने परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग चुना है, उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये मार्ग विकट है, पर हमें इस मार्ग पर चलते रहना है, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी बाधाएं आए, और मृत्यु भी क्यों ना आ जाए। किसी भी परिस्थिति में हमें उठ खड़ा होना है, सच्चे भाव से, सच्ची लगन से परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहना है। तो परमात्मा कृपा करके हर अंधेरे को दूर कर हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति की सुबह लाएंगे। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी सेवा का अवसर जाने न दिया। ये भी ग्रहण की, चाहे वो कोई सामान्य भाविक जन हो या फिर स्वयं गंगा जी भी क्यों न हो। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
बड़ प्रीति संत हरिद्वार में यहां आपको कोई शांत जगह नहीं मिलेगी। मेरे साथ आइए, मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूं जहां शांति हो, एकांत हो। आज तक बहुत सारे साधु संत योगी महर्षि यहाँ आए हैं, परंतु इतने भावपूर्वक किसी की सेवा करते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। कौन है ये? जो कुछ भी है यही है। इनके आगमन से हरिद्वार सच में हरि का द्वार बन गया। आपकी बड़ी कृपा कि आपने हमें दर्शन दिए। सबकी भक्ति का स्वीकार करना और ज्ञान की परम अवस्था में रहते हुए भी भक्ति का एक भी अवसर जाने न देना, वो नीलकंठ वर्णी की निजी रीत थी। जन्माष्टमी के दिनों में नीलकंठ वर्णी तपोवन आ पहुंचे। इस तपोवन में रम्यक मुनि और ध्रुव जी से लेकर आज तक बहुत ऋषियों ने तपश्चर्या की है, पर हम लोग
सबसे अधिक भाग्यशाली है कि स्वयं आप हमें कल्याण प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे। मैं मुमुक्षों से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहता हूँ। धन्यवाद प्रभु। यहाँ ऋषिकेश में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने तपश्चर्या की थी, इसलिए यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रचलित है। यहाँ उपवित परिवर्तन करने की विशेष महिमा है। मनुष्यों और परमात्मा के बीच का एक मार्ग प्रस्थापित करने के लिए कटिबद्ध और भवसागर में डूब रहे जीवों को उबारने के लिए संकल्पबद्ध नीलकंठ वर्णी ने गढ़वाल प्रदेश में अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया। किसी भी परिस्थिति में अपने ध्येय तक पहुंचने की नीलकंठ वर्णी की संकल्प शक्ति के सामने कोई भी विकट रास्ता सरल बनकर रह जाता था। अरे उस बच्चे को देखो, इतनी ठंड में इतने कम कपड़े, ये जिंदा कैसे रहता होगा। प्रकृति की हर कठिनाई को हंसते मुंह सहकर भी प्रकृति के तत्वों का आनंद लेते रहना नीलकंठ वर्णी के लिए सहज था। उनकी ये विलक्षणता कभी कभी प्रकृति के तत्वों में भी ऊर्जा का संचार कर देती थी। ये मन भंग पर्वत है और वो चित्त भंग पर्वत, और वहां दूर नदी के किनारे जो दिख रहा है वो है श्रीपुर गांव। उस रास्ते से हम ऊपर केदारनाथ जा सकते हैं। ये क्या बना रहे हो? ये जीव है और ये ईश्वर है, और ये उनके ऊपर माया का घोर अंधकार। ये क्या? और माया से भी पर ये है ब्रह्मा, और सबसे पर परब्रह्मा। ये क्या देख रहा है? बेटा, तुमने सन्यास ले लिया है, अच्छा किया है। पर इतनी छोटी उम्र में तुम्हें क्या पता कि कितना संघर्ष, कितनी विकटताएं होती हैं एक सच्चे सन्यासी के जीवन में। यदि पुरुष प्रयत्न में कोई कमी ना रहे तो परमात्मा कृपा करके सारी विकटताओं को पार करवा देता है। अगर मन के पक्के हो तो शायद तुम निर्भयता से घने वनों को पार कर लोगे, भयानक जानवरों का भी सामना कर लोगे, और ऐसी कई विकटताओं को पार कर लोगे जो सामान्य मानव नहीं कर पाता। पर सन्यासी का जीवन अपने आप में एक संघर्ष है। साधु का जीवन कोई गुलाब के फूलों की सेज नहीं कि जिस पर आराम से सो जाओ। पर वो दो धार वाली तलवार है जिस पर मृत्यु पर्यंत चलना है। जहां ध्येय शुद्ध हो वहां उसे पूर्ण करने के सारे मार्ग परमात्मा तय कर देते हैं। बच्चा है पर मन का पक्का है। Thank you.
दुर्गम पहाड़ियों के बीच से भी रास्ता निकाल लेना, भयानक परिस्थितियों से भी बड़ी सहजता से निकल जाना, और भोजन के लिए जो कुछ भी मिले उससे अपने शरीर को अनुकूल कर लेना, नीलकंठ वर्णी भली भांति जानते थे। अपनी कल्याण यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी श्रीपुर आ पहुंचे। प्रणाम मोहन जी। आशीर्वाद। स्वस्थ तो हो ना? हाँ। प्रणाम। शुभम भवतु। आशीर्वाद दीजिए। कल्याण। ईश्वर मंगल करे। बाल योगी है, सुबह से यहीं ठहरे हैं। सब सुनिए, संध्या काल हो रहा है, सब सचेत हो जाइए, अपने मवेशियों को घर के अंदर ले लीजिए, बच्चों को भी ले लीजिए, सचेत रहिए। खेलना बंद करो, पता है ना बाहर कितना खतरा है। घर का ताला अंदर से बंद कर लेना, कोई बाहर ना निकले, ध्यान रखना। चलो चलो जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी सब कुछ अंदर रख दो। चलो चलो जल्दी करो। मैंने इस तरफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर भी सब बंद कर दिया है। चलो जरा जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। पीछे के सारे दरवाजे भी बंद कर दो। हाँ भैया। अरे कोई खिड़कियां भी खुली मत छोड़ना। अरे सामान आने के बाद अपने सभी लोगों को अंदर बुला लो, कोई बाहर ना रह जाए। बेटे, मैं इस कमलेश्वर मठ का महंत हूं। अंधेरा हो रहा है और रात बहुत डरावनी होगी, मठ के अंदर आकर रहो। अंतर का उजास बाहर के अंधेरे से डरने ही नहीं देता। अच्छा, अगर मठ में रहना नहीं चाहते हो तो फिर श्रीपुर गांव में कोई और ठिकाना ढूंढ लो, लेकिन यहां मत रुको। मैं बस्ती से दूर एकांत में रहना अधिक पसंद करता हूं। लेकिन यहां रुकने में खतरा है, यहां रात में खूंखार जानवर आते रहते हैं, इंसान हो या मवेशी किसी का भी शिकार कर लेते हैं। यहां रात की हवा में मृत्यु मंडराती रहती है। तो आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपके किवाड़ या दीवार मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, लेकिन सामने से मृत्यु को गले लगाना भी तो उचित नहीं। यदि मृत्यु को कोई रोक ही नहीं सकता तो उससे डरना भी क्यों? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहां मोह नहीं वहां भय नहीं। तुम बालक भी हो और योगी भी। अब बाल हठ और योगी हठ दोनों को तो मैं नहीं छोड़वा सकता। वैसे मठ में सदैव तुम्हारा स्वागत है, मन करे तो चले आना। मुझे भय है अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो इसकी मौत निश्चित है।
शांतं भवतु, कल्याणम् अस्तु। ये क्या? मैं ये क्या देख रहा हूं? अकल्पनीय है। जहां दिव्य प्रेम हो वहां भय नहीं हो सकता। स्वामी, स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी। स्वामी, स्वामी अब आप कहीं न जाइए। ये मेरा मठ, मेरी महंती, मैं स्वयं, सब कुछ आपका है स्वामी। कृपया स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मेरा मठ तो सारा विश्व है। उस मठ को छोड़कर मैं इस मठ को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? और इन सब में ही बंधे रहना होता तो घर का त्याग ही क्यों करता? प्रभु, हमारा प्रेम स्वीकार कर यहीं रुक जाइए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो मेरी ही सेवा करते हो। जब तुम दूसरों को प्रेम करते हो तो मुझे ही प्रेम करते हो। हर एक जीव में बसे परमात्मा के स्वरूप का आदर करना और उस आदर से हर एक को समान भाव से अपनाकर कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना, वो नीलकंठ वर्णी की अनूठी शैली थी। नीलकंठ वर्णी किसी भी प्रकार के भय से मुक्त थे और दिव्य प्रेम से युक्त थे और इसीलिए कोई भी मुमुक्षु जीव बड़ी सहजता से नीलकंठ वर्णी से जुड़ जाता था। स्नान पूजा आदि करने के लिए अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? इस तरफ चले जाओ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, स्नानं करोमि ते जलैः, अन्नं चतुर्विधं स्वादु भोज्यं समर्पयामि। जो मनुष्य जन्म मिला है वो बहुत दुर्लभ है और इसीलिए उसका उपयोग भी कल्याण के लिए होना चाहिए। संसार सिंधु करन को नैया, भक्ति हरि की कर ले भैया। संसार सिंधु करन को नैया, भक्ति हरि की कर ले भैया। अंत समय हरि मुक्ति दिलावै, भाई वो अपना मजा ले रहे हैं और हम हमारा। उस नशे के सामने ये नशा तो कुछ भी नहीं है। पर इसमें बुरा भी क्या है, मजा आता है। इस व्यसन से अधोगति है और उस व्यसन से उन्नति।
पसंद भी आपकी है और निर्णय भी। भक्ति हरि की कर ले भैया। आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको गुप्त काशी के मंदिरों के दर्शन करवाता हूँ। चलो। ये गुप्त काशी का मणिकर्णिक कुंड है। यहाँ एक गौमुख से गंगा जी का पानी आता है और दूसरे गौमुख से यमुना जी का। अच्छा, गंगा यमुना का संगम है यहाँ। ये विश्वनाथ मंदिर है और ये पास में है अर्धनारेश्वर मंदिर। जाओगे? गुप्त प्रयाग और त्रियुगी नारायण से होते हुए गौरीकुंड और वहां से केदारनाथ। इतना दूर? ये गौरी कुंड भी ऊपर वाले का चमत्कार है। चारों तरफ केदारनाथ की ठंड और उसके बीच में इस गौरी कुंड का गरम गर्मीला पानी। बस जी भर के नहाओ, ठंड की कोई फिक्र नहीं। सही कहते हो तुम। गौरी कुंड से नीलकंठ वर्णी केदारनाथ की ओर चल पड़े। कोई भी ऐसा संजोग नहीं था जो इस 11 वर्षीय बालक की कल्याण यात्रा में बाधा डाल सके, चाहे वो शरीर की थकान हो या विकट से विकट रास्ता। केदारनाथ
खोया हुआ है? अरे किस दुनिया में हो भाई? साक्षात नारायण की दुनिया में। हाँ क्या, कहाँ? मुझे इन वर्णी में साक्षात नारायण भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तुम भी दर्शन कर लो। साक्षात भगवान नारायण। हाँ ओ प्रभु, साक्षात नारायण। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। प्रभु मान लो कि तुम यहां यहां केदारनाथ में हो, ये रहा केदारनाथ, और तुम्हें जाना है यहां बद्रीनाथ में। हाँ ये रहा बद्रीनाथ। अब सवाल ये है कि भाई जाओगे कैसे? तो तुमको जाना पड़ेगा पहले ज्योतिर्मठ, ये यहां पर, और फिर यहां से ऊपर ये हाँ यहां तुम पहुंचोगे बद्रीनाथ। ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, ज्यादा समय लग जाएगा। यही एक भला चंगा रास्ता है जो तुम्हें सही सलामत पहुंचा सके, और कहीं इधर उधर भटकने गए तो हमेशा के लिए भटक जाओगे। किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगे, या भटकते भटकते ही मौत के मुंह में जा गिरोगे। हाँ फिर तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। हाँ भाई क्या कहना है तुम्हारा? हाँ भाई जान बचेगी तो ही तो बद्रीनाथ पहुंचेंगे। थोड़ी देर ज्यादा लगेगी पर जिंदा तो पहुंचेंगे। हाँ सही समझे। हाँ भाई सुरक्षित रास्ते से ही चलेंगे। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाना असंभव भी तो नहीं है। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ, एक ऐसा मार्ग जिससे गुजरने के बारे में कोई सामान्य मानवी तो सोच भी नहीं सकता था, जहां मानो मनुष्य जीवन का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मनुष्यों को जीवित रहने देने का कारण बने। अगर कुछ था तो बस कदम कदम पर खतरा। शून्य के नीचे का तापमान जो पानी को पीने के लायक भी नहीं छोड़ता था। मीलों तक फैली हुई बर्फ जैसे विपत्तियों का महासागर, और हर क्षण मृत्यु का आह्वान। पर केवल 11 वर्ष का एक बालक कृतनिश्चयी था अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए। परमात्मनी यो
भक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। इस ठंड में हम लोग यहां कंबल ओढ़कर भी ठीक से सो नहीं पा रहे, और वो बच्चा नंगे पांव खुले शरीर केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ के विकट रास्ते पर अकेला चल पड़ा है। क्या हुआ होगा उसका? ऐसा क्या था जिसके कारण कोई भी प्रकार की परिस्थिति नीलकंठ वर्णी को रोक सकने में असमर्थ हो जाती थी? कभी हिमप्रपात तो कभी भयानक बारिश, अनजान और निर्जन रास्तों में जंगली जानवरों से आकस्मिक भेंट, अनजान रास्तों को समझकर पहाड़ियों और खाइयों के बीच में से भी रास्ता कर लेने की चुनौती, और आराम करने के लिए धरती का बिछाना और आकाश की चद्दर। नीलकंठ वर्णी की दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता था। देहभाव से पर
और मनोभाव से पर नीलकंठ वर्णी की आध्यात्मिक स्थिति ही ऐसी थी जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठकर उनकी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाए रखती थी। ऐसे विपरीत हालात में भी अपने नियम धर्म और अपनी भक्ति के नित्य क्रम के साथ कोई भी समझौता न करके भक्ति की प्रणाली की पुष्टि करता हुआ एक ऐसा उदाहरण नीलकंठ वर्णी ने प्रस्थापित कर दिया जो सदा के लिए भक्ति रीति का पोषण करता रहेगा। आज के समय में भी कई लोग साथ मिलकर बहुत सारी सुविधाओं के साथ जिसे पार करने के लिए हिचकिचाते हैं, वैसा केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का लगभग 75 किलोमीटर का मार्ग नीलकंठ वर्णी ने नंगे पांव, खुले शरीर, अकेले केवल 9 दिनों में पार कर लिया। जय बद्रीनाथ विश्वंभरम, जय बद्रीनाथ विश्वंभरम, जय बद्रीनाथ विश्वंभरम, जय बद्रीनाथ। अरे इस चरण छाप में ऊर्ध्व रेखा के साथ सारे 16 चरण चिन्ह, ये तो स्वयं परमात्मा के चरणों की छाप है। कहाँ है वो? प्रणाम। मनुष्य के रूप में आपका दर्शन पाकर आज मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है प्रभु। मेरा रोम रोम
हर्षित है प्रभु। कहीं सुना है और शास्त्रों में पढ़ा भी है कि भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तब उन्हें पहचानने का सौभाग्य बहुत भाग्यशाली को ही मिलता है। आज आज मेरे जन्मों जन्म के भाग्य खुल गए कि आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। आपने क्या नाम ग्रहण किया है प्रभु? मेरा नाम है नीलकंठ। नीलकंठ, आप कहां से आए हैं प्रभु? अनिर देश से। ऐसी तो कोई जगह का नाम मुझे याद नहीं। प्रभु मेरी समझ में आए उस तरह से बताइए, कहां से यात्रा आरंभ की, किन किन तीर्थ स्थानों को अपनी उपस्थिति से पावन किया, कहां ठहरे? मैंने आषाढ़ मास में अयोध्या से सरयू पार की और अमरापुर आया। हिंडोला के दिन नारद वन में बिताए और पवित्रा एकादशी हरिद्वार में की। तपोवन में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। लक्ष्मण झूला के पास लक्ष्मण मंदिर में उपवित परिवर्तन किया। गणेश चतुर्थी श्रीनगर में, ऋषि पंचमी उद्धव वन में और जल झलनी एकादशी एवं वामन द्वादशी गुप्त काशी में की। त्रियुगी नारायण में पूर्णिमा करके श्राद्ध पक्ष मैंने गुप्त प्रयाग और केदारनाथ में बिताया और नवरात्रि के आरंभ में केदारनाथ से चलकर पहाड़ों को पार करके आज नवरात्रि के नवमे दिन यहाँ बद्रीनाथ आया हूँ। और आपका भाव है इसलिए दीपोत्सव और अन्नकूट उत्सव यही आपके साथ मनाऊंगा। अवश्य प्रभु। शीत ऋतु में ठंड से बचकर रहने के लिए बद्रीनाथ के लोग भगवान की मूर्ति समेत ज्योतिर्मठ आकर बसते थे। नीलकंठ वर्णी भी उनके साथ ज्योतिर्मठ आए। अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अयम् आत्मा ब्रह्म एव, अयम् आत्मा ब्रह्म एव, अयम् आत्मा ब्रह्म एव। ये सब उपनिषद के मंत्रों का अच्छा पाठ कर रहे हैं प्रभु। ये तो हम सब का नित्य क्रम है। इन मंत्रों के रटन से ये सब अपनी आत्मा का ब्रह्म के रूप से अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसा उत्तम ध्येय रखते हैं, उसका अर्थ है कि ब्रह्म आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूपों की भिन्नता को वे यथार्थ रूप से समझते हैं। हमने तो ऐसा ही रटन सीखा है। अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि। क्या देख रहे हो बालयोगी? मुझे मानसरोवर जाना है, क्या आप रास्ता दिखा सकते हैं? अभी से रास्ता पूछ के आप क्या करोगे? अरे जब ठंड की ऋतु समाप्त हो जाएगी तब बहुत सारे लोग वहां जाएंगे, उनके साथ चले जाना। हाँ? मुझे तो अभी जाना है। है? इस ठंड में? हाँ। मानसरोवर? अरे प्रभु, ऊपर की ठंड तो आग की तरह जलाती है,
वहां शरीर का लहू पानी बन जाता है और पानी जमकर पत्थर, और कदाचित उससे बच भी गए तो बर्फ आपको जिंदा गाड़ देगी प्रभु। अरे प्रभु, इस ऋतु में मानसरोवर की ओर जाने के विचार मात्र से भी सब डरते हैं। आप मुझे योगी बुलाते हो ना? हाँ प्रभु। योगी को ना तो प्राणों का भय होता है, ना असफलता का, ना कल का, ना किसी फल का, ना यश का, ना अपयश का। आपका बहुत धन्यवाद कि आप मेरी चिंता करते हैं। प्रभु, ऊपर की ठंड से बचने के लिए कंबल पर्याप्त तो नहीं है, फिर भी ये स्वीकार कीजिए। खेलने कूदने की उम्र में इतने कष्ट, ऐसी तपश्चर्या, इतनी कठिन यात्रा किस लिए? मेरी यात्रा कल्याण के लिए है। मैं आपसे फिर मिलूंगा। आपके दर्शन की प्रतीक्षा रहेगी प्रभु। Thank you.